गाइस जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया है, आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक और ट्रांजेक्शन वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही सिंपल और इजी होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो का मेन पार्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन को किसी ट्राइपॉड या किसी स्टेबल जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ से आपका फोन बिल्कुल भी ना हिले। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेम इसी तरह से अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेना है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद चलिए अब इसकी एडिटिंग की तरफ चलते हैं। तो गाइस आ गए हम अपनी फोन की स्क्रीन पर एंड इस वीडियो को मैं कैपकट ऐप से एडिट करने वाला हूं। तो सबसे पहले कैपकट ऐप को ओपन करने के लिए हमको वीपीएन को कनेक्ट करना होता है, जो मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है, तो आप भी कनेक्ट कर लेना। तो मैं बैक आऊंगा एंड कैपकट ऐप को ओपन करूंगा एंड यहां पर अपनी फर्स्ट क्लिप को ऐड करेंगे। फर्स्ट क्लिप ऐड करने के बाद आपको कुछ इस पोजीशन में आना है जहां से आपने अपने हाथ में से शूज को छोड़ा था, एंड यहां पर इसको स्प्लिट कर देंगे। मैंने पहले से ही कर रखा है एंड लास्ट में कुछ इस तरह से जहां पर शूज जमीन से टच करने वाला होता है वहां पर भी आकर इसको स्प्लिट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी एक क्लिप बनकर आ जाएगी। तो इस क्लिप को हम कॉपी करेंगे एंड इसको कॉपी करने के बाद इसको ओवरले कर लेंगे एंड ओवरले करने के बाद इसको कुछ इस तरह से अपनी जो मेन क्लिप है उसके नीचे ले आएंगे एंड इसकी स्पीड को हम 0.2% के आसपास रखेंगे, 0.2% रख लेते हैं इसकी स्पीड को। एंड इसके स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, आपको ऊपर एक की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड नीचे मास्किंग वाले ऑप्शन पर जाकर इसको रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे एंड एक क्यूब आपके पास बनकर आएगा, तो उसको कुछ इस तरह से अपने सोच के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको आगे करके इसमें की फ्रेम ऐड करते जाना है कुछ इस तरह से। आप भी अपने वीडियो में कुछ इस तरह से कर लेना। तो ऑलराइट गाइस, मैंने इसमें इतना काम तो कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शूज में स्लो मोशन लग चुका है, लेकिन मेरी क्लिप में नहीं लगा, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो आप सेकंड क्लिप को यहाँ पर ऐड करेंगे, उसको हम ऐड ओवरले पर क्लिक करके उस सेकंड क्लिप को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एंड सेकंड क्लिप ऐड करने के बाद इसको अपने टू फिंगर से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है एंड यहाँ पर जहाँ से हमने अपने पैर को जमीन पर मारा था वहाँ पर आएंगे एंड इसको स्प्लिट करके जो भी स्टार्टिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आगे की तरफ आएंगे एंड इस क्लिप पर क्लिक करेंगे, नीचे फिर से अगेन आपको मास्किंग वाले टूल में जाना है एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको -90° के एंगल पर इसको सेट कर देना है एंड इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो ऑलराइट गाइस, इतना करने के बाद अपनी मेन क्लिप के लास्ट में आएंगे एंड जो क्लिप अभी हमने ऐड करी थी उसको यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे एंड इस क्लिप को हम मेन ट्रैक पर लेकर आएंगे। तो मेन ट्रैक पर लाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेन ट्रैक, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिप हमारी ऊपर पहुँच जाएगी। अब इसमें ये जो साइड में ब्लैक पार्ट आ रहा है तो इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए अगेन हम मास्क वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड इसको नॉन कर देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अब इसमें से जितनी क्लिप हमें चाहिए उतनी रखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देंगे, स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देते हैं एंड ये वाली क्लिप को हम 2.4 सेकंड रखेंगे। आप चाहे तो इसको बड़ा कर लेना, नहीं तो इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारी दो क्लिप और बची हुई है, तो उनको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस क्लिप तो हमारी सारी ऐड हो चुकी है, अभी इसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना बाकी है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर सर्च करना है सेक इफेक्ट, तो ये वाला सेक इफेक्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे एंड इसको डन कर देंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक इफेक्ट देखने को मिलता है वाइट फ्लैश, तो इस पर क्लिक करके इसको भी अप्लाई कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट तो लग चुका है, अभी इसमें बेसिक इफेक्ट और ऐड करना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके नाइट क्लब वाले ऑप्शन में जाना है एंड आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्प्लिट फ्लिकर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस इफेक्ट पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे एंड अपने यहाँ पर कुछ इसके हिसाब से क्लिप के हिसाब से इसको हम छोटा कर लेंगे
एंड सेकंड क्लिप पर भी जाएंगे एंड यहाँ पर हमें बॉडी इफेक्ट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन में ही आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन गाइस हमें इसमें भी म्यूज़िक और ऐड करना है, तो आपको अगर ये वाला म्यूज़िक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसको भी डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी ऑडियो को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो वर्जन है तो यहाँ पर इसको ऑडियो को हटाना पड़ेगा। ऑडियो निकालने के बाद इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। एंड गाइस आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अपने जो ये क्लिप में स्पीड को हमने कम किया था, तो इस अगेन इस पे स्पीड वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी पर क्लिक करके इसको अप्लाई करना है, इससे हमारी वीडियो में लैगिंग नहीं होगी। एंड गाइस इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड गाइस वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद अगेन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट की थी उसको फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद इस पोजीशन में आएंगे एंड यहाँ पर की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड लास्ट में भी यहाँ पर इस ऑप्शन पर आकर की फ्रेम ऐड करेंगे एंड जहाँ पर हमारा सूर्य हवा में था उसको कुछ इस तरह से हम जूम करके इस पोजीशन में ले आएंगे, तो यहाँ पर कुछ जूम वाला इफेक्ट बन के आएगा। एंड अभी हमें इसमें थोड़ी कलर ग्रेडिंग और करनी है, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर वीडियो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैं जल्दी जल्दी अपने हिसाब से इस वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही इसको करना। एंड ये करने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।